अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अंजुम आरा, माई फातिमा ट्यूटोरियल में आप सभी का वेलकम। तो दोस्तों देखिए, आज मैं आपके लिए ये छोटा सा थालपोश डिज़ाइन लाई हूँ, जो ये भी बनाने में बहुत आसान है। उससे पहले दोस्तों, आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करो, सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने के लिए मिले। तो चलिए हम इसे शुरू करते हैं। इसके लिए हमने ये टुपलाई का ऊन लिया है, और ये देखिए, ये 10 नंबर का क्रोशिया है, इसी से हम बनाते हैं। इसके लिए देखिए, एक हम नॉट लगा लिए हैं, और उससे पहले 1 2 3 4 5 6 चैन लेंगे, और इसमें सिंगल क्रोशिया बना देना है। इस तरह से फिर 3 चैन लेंगे, और इसमें 1 2 3 4 5 और ये 6 बार करके इस तरह से हमें बनाना है, और फिर 2 चैन लेकर फिर उसी तरह से 6 बार बनाएंगे, 1 2 3 4 5 और ये 6। देखिए इसी तरह से करके पूरे राउंड में हमने ये 2 बना दिए हैं, 4 बार और बनाकर हम फिर बताते हैं। तो देखिए ये पूरे 6 बार हो चुका है। अब हम इसमें ये 2 चैन लेकर इसमें इस तरह से सिंगल क्रोशिया बना देंगे, और उसके बाद इसे हम कट कर देंगे। और अब हम इसमें वाइट कलर लगाएंगे। अब देखिए इसमें हम ये वाला लगाएंगे इसमें, और उसी तरह से 6 बार डबल क्रोशिया बनाना है। देखिए 2 3 4 5 और ये 6, फिर 2 चैन लेंगे, और फिर उसी तरह से इसी में 6 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए इसी तरह से पूरे राउंड हमें यहाँ पे 3 चैन लेना है, और फिर इसमें इस तरह से 2 बार डबल क्रोशिया करके बनाना है, 6 6 बार। देखिए 3 4 5 6, फिर 2 चैन लेंगे, और इसी तरह से 2 बार, फिर इसी तरह से पूरे राउंड में हमें 12 बार ये वाला बनाना है। तो पूरे राउंड बना के हम फिर आपको दिखाते हैं। देखिए ये पूरा कंप्लीट हो गया है। अब हम इसमें यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बना देंगे, ये देखिए। अब यहाँ पे हमें 3 चैन लेकर फिर उसी तरह से 6 बार डबल क्रोशिया बनाना है, जिस तरह से हम यहाँ पे बनाए हैं। 2 बार इसमें डबल, इसमें भी 2 बार बनेगा। दो चैन लेंगे, और इसमें इस तरह से डबल क्रोशिया 2 बार बनाएंगे। देखिए फिर 2 चैन लेंगे, और इसमें फिर उसी तरह से 2 बार,
सॉरी, यहाँ पे 3 बार डबल क्रोशिया बनाना होगा। ये देखिए, फिर 2 चैन लेंगे और इसमें इस तरह से जिस तरह से यहाँ पे 2 बार बनाए हैं उसी तरह से यहाँ भी 2 बार बनाना है। सारे में इसी तरह से बनाना है, 2 बार इस तरह से और 3 बार इस तरह से डबल क्रोशिया करके पूरे राउंड बनाएंगे। तो देखिए ये राउंड भी कंप्लीट हो गया है। अब हम इसे यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बना देंगे और फिर इसमें 3 चैन लेंगे और उसी तरह से 2 बार करके हमें यहाँ पे भी डबल क्रोशिया 6 बार बनाना है। ये देखिए, फिर 2 चैन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 इस तरह से, फिर 3 चैन लेंगे और यहाँ पे 1 डबल क्रोशिया, फिर 2, फिर यहाँ पे 3, फिर यहाँ पे 4। ये देखिए, ये इसी तरह से बढ़ेगा कि सारे में जहाँ जहाँ ये 2 है वहाँ पे 4 बनेगा, उसके बाद 6, उसके बाद 8। आपको जितना लंबा बनाना हो आप उसी तरह से इसमें बना सकते हैं। अब यहाँ पे 3 चैन लेना होगा और इसमें उसी तरह से डबल क्रोशिया बनाएंगे, 3 4 5 और ये 6, फिर 2 चैन लेकर इसी में 2 बार फिर बनाएंगे 6 बार। तो देखिए यहाँ पे ये 2 2 बार इसी तरह से जाएगा और यहाँ पे ये वाला बढ़ेगा और इस बार 3 चैन लेंगे। इसी तरह से हम पूरे राउंड ये वाला पूरा कंप्लीट करके फिर आपको दिखाते हैं। तो देखिए ये किस तरह से बढ़ के आ गया है, ये 2 4 6 हो गया है। अब इसके बाद हम 8 बनाएंगे। आपको जितना बड़ा थालपोश बनाना है आप उसी हिसाब से ये बढ़ा सकते हैं। हमको ज़्यादा बहुत बड़ा थालपोश नहीं बनाना है, हम छोटा ही बनाएंगे, बहुत छोटा भी नहीं होगा पर मीडियम साइज रहेगा। तो देखिए हम इसमें फिर यहाँ पे अब 8 बना लेते हैं और 8 बनाने के बाद देखिए यहाँ पे चैन बढ़ाना होगा। आप चैन बढ़ाते जाइएगा किनारे वाला चैन। तो 1 2 3 4 चैन हो गया और फिर उसी तरह से यहाँ पे 2 बार ये वाला कली हम बनाएंगे। तो ये कली बना के फिर आपको दिखाते हैं। तो देखिए ये पूरा इस तरह से कंप्लीट कर लिए हैं। अब यहाँ तक इसे दिखा देते हैं। इसी चैन में उसी तरह 2 डबल क्रोशिया बनेगा। तो दोस्तों आपको मेरा बताने का तरीका अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने के लिए मिले। और इसका अगला पार्ट हम दूसरे वीडियो में बताएंगे। तो देखिए यहाँ पे इस तरह से इसे स्टिच कर देंगे। अब इसे हम जो घटाएंगे वो घटाने वाला पार्ट हम दूसरे वीडियो में बताएंगे, तब तक के लिए आप इसे देखिए और समझिए। तो देखिए ये किनारे वाला हम 4 चैन लेंगे, 1 2 3 4 और फिर इसमें 1 2 3 4
पांच, छः, सात और इसमें जो है आठ बार हम बनाएंगे। ये देखिए आठ बार बनाने के बाद फिर उसी तरह से हम यहाँ पे चार चैन लेंगे और उसी तरह से ये वाला बनाते जाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पे आठ, एक दो तीन चार पांच लाइन हो गया है। और हमें कितना लाइन बनाना है हम पूरे आपको बना के आपको दिखाते हैं कि हम कितना ऊंचा कितना बड़ा ले जाके ले जाने के बाद फिर हम घटाएंगे। जब हम घटाएंगे तभी हम आपको दिखाते हैं। तब तक के लिए